हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग यहाँ से खिलाड़ी अड्डा से आप लोग यहाँ पे मनी को कैसे विड्रॉ कीजिएगा। विड्रॉ करने का फुल प्रोसेस बताया जाएगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग खिलाड़ी अड्डा पर आ जाइएगा। खिलाड़ी अड्डा का आप लोग जैसे ही ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। होम पेज यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से दिखाई देगा। तो सिंपली आपको विड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे ये जो वॉलेट दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन दिखाई देता होगा, विड्रॉ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर तीन ऑप्शन है, पेटीएम वॉलेट, भीम UPI या बैंक ट्रांसफ़र। आप इसको तीनों में से जो भी यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे UPI ID लूँगा, UPI ID भी क्लिक कीजिएगा। UPI ID अकाउंट जो भी नाम वो डाल दीजिएगा, UPI ID एड्रेस आप लोग फ़ोन पे गूगल पे किसी का भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जैसे डाल दिए, जैसे ऑलरेडी मेरा यहाँ पे डाला हुआ है, डाल दिया। कितना है? 109 रुपया है। तो चलिए हम यहाँ पे 109 रुपया यहाँ पे डाल देते हैं। 109 रुपया डाल के जैसे यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फुल प्रोसेस बता दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा भी नाम आ गया, बैंक IFSC कोड या UPI डालें तो UPI आ गया। चलिए यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड हम लोग जैसे करेंगे तो आपसे यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन पूछा जाएगा। तो सिंपली आप लोग यहाँ पे इसमें आधार कार्ड यहाँ पे डाल के आप लोग यहाँ पे अपडेट करना रहिएगा, तभी आप लोग इसको विड्रॉ करवाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आधार नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया। चलिए इसको अपडेट पे क्लिक करेंगे। अपडेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उस OTP का आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए हम लोग वेट कर लेते हैं OTP का। तो यहाँ पे देख सकते हैं OTP आने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत हाई ट्रैफिक के कारण OTP आने में कभी लेट होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं OTP आ चुका है। तो चलिए हम लोग इसको डाल देते हैं। OTP डाल के चलिए हम लोग यहाँ पे सबमिट करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे कुछ प्रोसेसिंग टाइम लेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है आधार वेरिफिकेशन हैज बिन कम्प्लीटेड। चलिए ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ UPI ID क्लिक करें। चलिए यहाँ पे हम लोग अमाउंट डाल देते हैं 109 रुपया। विदड्रॉ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं 109 रुपया में आपका 5 रुपया आ जाइए, ट्रांजेक्शन फी काट लेगा। ठीक, चलिए इसको यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। OTP आएगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, उस OTP को यहाँ पर आपको डाल देना है। तो चलिए हम लोग वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं OTP आ चुका था, चलिए इसको डाल देते हैं। OTP डाल दिए। चलिए आप लोग सही OTP डालिएगा। 3 5 9 9 47 47 आप लोग OTP डाल दीजिएगा। OTP डालने के बाद यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा, यहाँ देखते हैं आपका अमाउंट जो है 30 मिनट के अंदर आपके अपने बैंक अकाउंट में आ जाएगा। या तो अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पे आप लोग अपना प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। यहाँ देखते हैं मेरा वॉलेट में कितना था, देखते 109 रुपया डेबिटेड हो गया। और आपको यहाँ पे मैसेज भी दिखाई देगा, यहाँ पर देखते हैं फ़ोनपे में 104 रुपया रिसीव हो चुका है। तो चलिए आप लोग यहाँ पर फ़ोनपे दिखा देते हैं आपको। तुरंत इंस्टेंट प्लग झपकते ही आपके बैंक अकाउंट में मनी आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखाई देता होगा, यहाँ पर देख से लीजिए। तो इसी तरह से आप लोग इसमें विड्रॉ कर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एक कैश फ्री की तरफ से 104 रुपया रिसीव हो चुका है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हिस्ट्री में जाते हैं। हिस्ट्री में जाने के बाद आपको यहाँ देख सकते हैं 104 रुपया भी 41 सेकेंड पहले यहाँ पर रिसीव हुआ। तो इसी तरह से आप लोग इसमें विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको और प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार रिलेटेड, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।